सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहले दो कंपैरिजन है कि एक लीनियर मोशन एक एंगुलर मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करती है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और सर्कुलर मोशन में सेंटर पे एंगल कवर कितना है थीटा, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी वी इज डी एक्स बाई डी टी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। जो काम उसमें एक्स करता है वो थीटा करता है, जो काम इसमें वी करता है वो ओमेगा करता है, जो इसमें ए करता है वो अल्फा करता है। तो ए क्या होगा डी वी बाई डी टी, अल्फा क्या होगा डी ओमेगा बाई डी टी। वी इज यू प्लस ए टी की जगह ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस की जगह ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है, ये सबको पता है। अब इसके अंदर स्टार्ट करने से पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है वैसे तो, कि अगर सपोज करो मैं आपसे ये बोलता हूं कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक, कोई भी एक बॉडी है और सपोज वो कैसे जा रही थी, पहले वो कोई कार है 2 मीटर पर सेकेंड से वो ईस्ट की तरफ जा रही थी, ईस्ट। फिर क्या हुआ, उसने भी डायरेक्शन चेंज कर ली टुवर्ड्स नॉर्थ कर ली, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया वेलोसिटी का, वो सेम है। तो क्या इसमें एक्सलेशन जनरेट होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, 2 की 2 ही है, होगी। जब डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो भी उसमें एक्सलेशन जनरेट होती है। मान लो ये सब होने में 5 सेकेंड लगे तो फाइंड एक्सलेशन क्वेश्चन है। तो आप एक चीज ध्यान से देखें कि अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करूं तो ये मान लो एक्स वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ कहता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट। तो चलो मान लो ये V2 वेक्टर है, मान लो ये V1 वेक्टर है, जबकि V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में 2 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इस ट्राइंगल में V1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना V2 वेक्टर है, तो एक्स वेक्टर क्या आएगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये डेल्टा V वेक्टर है, ये डेल्टा V वेक्टर है। तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 √2। तो चेंज इन वेलोसिटी 2 √2, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज द आंसर। तो मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे और मैग्नीट्यूड चेंज ना करे फिर भी उसमें एक्सेलेरेशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। सेम स्टोरी सर्कुलर मोशन की है, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है और सपोज किसी भी इंस्टेंट पर इसकी ये वेलोसिटी है, और ये क्योंकि मैं केस क्या ले रहा हूं, दिस इज अ केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन चेंज करती है, मान लो यहां से यहां आ गई, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ 2 मीटर पर सेकेंड से, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन ये जो वेक्टर आएगा ये क्या होगा डेल्टा वी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी टुवर्ड्स सेंटर। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से एक नई वेलोसिटी आई जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा वी वेक्टर। तो यहां से एक्सलेशन आएगी जो कहाँ पॉइंट करेगी टुवर्ड्स सेंटर। मैं रीजन दे रहा हूं कि सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होने का रीजन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड नहीं, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज होना इसका रीजन नहीं है, डायरेक्शन चेंज होना इसका रीजन है। तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही, तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन जनरेट हो रही है जो कहां एक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होने का रीजन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर सेंट्रिपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला या तो आर ओमेगा स्क्वायर है या वी स्क्वायर बाई आर है, इसका डेरिवेशन तो नहीं करनी है आपने। ऐसी फोर्स में सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगी, या तो फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर है, दोनों में से कोई भी एक, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में अगर साइक्लिस्ट वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो फॉर्मूला नोट करो टैन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी, टैन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। ऐसी अगर कोई गाड़ी लेवल रोड पे घूमती है, फ्रिक्शन है, कार टर्न ले रही है लेवल रोड पे, तो फॉर्मूला वी का क्या लगेगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो अगर कार लेवल रोड पे है तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अगर बैंकिंग हो रखी है, सड़क एक तरफ से ऊपर उठी हुई है और फ्रिक्शन भी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट करें, ये नीट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला मार्क करने को आया हुआ कभी ना कभी पुराने पेपर में, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा,
ठीक है, इसमें बैंकिंग भी हो रखी है और फ्रिक्शन भी है, तो इतनी वेलोसिटी से गाड़ी चलेगी। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अगर कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में, अगर रस्सी घूमेगी तो मैक्सिमम टेंशन कहां पर होगी? बॉटम पे। और मिनिमम कहां पर होगी? टॉप पे। इक्वेशंस क्या बनती हैं? क्योंकि मान लो यहां पर वेलोसिटी लोएस्ट पे VL है और हाईएस्ट पे VH है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इट इज मूविंग इन सर्कल, तो नेट फोर्स कहां होना चाहिए? टुवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या बनेगी? टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, और इसमें टी मिनिमम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर इसकी डेरिवेशन करें, जो करनी नहीं है, तो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होनी चाहिए ताकि पार्टिकल सर्कल में घूम जाए? अंडर रूट ऑफ जीएल या जीआर, आर फॉर रेडियस, एल फॉर रेडियस। तो मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे ये होगी, और मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gl। लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5gl, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट gl। ये मिनिमम वेलोसिटीज हैं, इससे ज्यादा अगर होंगी तो भी चलेगा, पर इससे कम होगी तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में नहीं घूम पाएगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चन सर्कुलर के हैं आधे में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। कैसे? अगर आपके पास कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि चलो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, आप मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताएं क्या होगी, और मैं मिनिमम का केस नहीं ले रहा, ये तेज भी घूम सकती हैं, तो आपको ये रेडियस गिवन है मान लो 5 मीटर है, तो ऐसे केस में अगर सर्कल में एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और दूसरी निकालनी है, तो एक ही तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, टॉप मोस्ट और बॉटम पे सेम कर देना। इसको आप ग्राउंड लेवल मान लें, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो, और काइनेटिक क्या हो जाएगी? हाफ इंटू एम इंटू टू का स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? एम जी इंटू ट्वाइस दी रेडियस, और काइनेटिक क्या हो जाएगी? हाफ एम इंटू वी एच का स्क्वायर। इन्हें इक्वेट करके वी एच कैन बी कैलकुलेटेड। तो कहने का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से एक पॉइंट की वेलोसिटी से दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कभी फंस जाएंगे, और एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन होगी, दूसरी निकालनी है, तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन ही आपको बचाएगा। जैसे अगर मान लो ये पेंडुलम है, पेंडुलम इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो किसी इंस्टेंट पर एंगल थीटा बना हुआ है, टेंशन इसमें टी है, तो पेंडुलम के घूमने का रेडियस क्या होगा? सेंटर क्या होगा? सी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगती है? एम जी, एम जी कॉस, एम जी साइन। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या बनेगी? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय एल। ऐसी कुछ इक्वेशन लगाई जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे हाइट निकालो सच दैट बॉडी को जब आपने रिलीज किया तो एक चक्कर पूरा काट जाए, मिनिमम एक चक्कर पूरा चाहिए, तो यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम अंडर रूट ऑफ 5gr होनी चाहिए, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो बॉडी यहां से चली तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 5gr का स्क्वायर। पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगी? mgh। काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। इक्वेट कर लेना, आंसर आएगा। तो कहने का मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि मिनिमम चक्कर काटने के लिए वेलोसिटीज क्या लेनी, और एनर्जी कंजर्वेशन तो सर्कुलर का पार्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक, कॉनिकल पेंडुलम, एक धागा लें, पत्थर लें, उसको ऐसे घुमाएं कोन की तरह, उसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो ये थीटा, टेंशन टी, टी के तो कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा और एम जी, तो इसमें टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है। टी साइन थीटा इस पत्थर का सेंटर यहाँ पर है, तो इस प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम आर ओमेगा स्क्वायर। पत्थर का घूमने का रेडियस गिवन नहीं होगा, लेंथ गिवन होगी, साइन थीटा आर बाई एल से आर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ, सॉल्व करूँ, तो ओमेगा का ये फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा, नोट कर लें। तो कॉनिकल पेंडुलम में ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, ऐसी एक हेमिस्फीयर घूम रहा है, हेमिस्फीयर में कोई इंसेक्ट है, वो इस चक्कर में घूम रहे साथ साथ, तो इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी? इसके ऊपर इंसेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पास करेगा? हेमिस्फीयर के सेंटर से। तो ये थीटा थीटा सेम, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एम जी।
तो एन कॉस थीटा एम जी एन साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंटीमीटर. सेम है ऊपर पेंडुलम वाला केस है, इसमें भी ओमेगा एग्जैक्टली क्या आएगा सेम. ओमेगा कॉनिकल पेंडुलम में और इस हेमिस्फीयर वाले केस में सेम आता है. तो इक्वेशन समझ में आ रही है, उसमें टेंशन के कॉम्पोनेंट्स है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन के कॉम्पोनेंट्स है. जैसे अगर कोई बॉडी घूम रही है, सिलेंडर घूम रहे हैं, तो सिलेंडर घूम रहे उसके पास सेंट्रीपिटल होगी. अंदर एक मैन है जो कोने पे लगा हुआ दीवार के पास, उसको बाहर की तरफ फोर्स मिल रही है क्योंकि वो जैसे कार है, कार अगर आगे जा रही है ए के साथ तो अंदर सूडो फोर्स लगती है बैकवर्ड. तो सिलेंडर के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, अंदर मैन को बाहर की तरफ एक्सेलेरेशन मिल रही है, तो बाहर की तरफ फोर्स मिलेगी उसका नाम है सूडो फोर्स. उस सूडो फोर्स को इस चैप्टर में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कहाँ एक्ट करती है अवे फ्रॉम सेंटर. तो सिलेंडर की एक्सेलेरेशन आर ओमेगा स्क्वायर है, तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो मैं ये चाहता हूं कि मैं फ्लोर हटा दूं फिर भी मैं नीचे ना गिरे, तो मैं नीचे गिरेगा फ्लोर हटाने के बाद बिकॉज ऑफ इट्स वेट, क्यों नीचे नहीं गिरेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगी. सूडो फोर्स यहां लग रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो नॉर्मल रिएक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर है. तो एम जी जो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, नॉर्मल रिएक्शन की जगह यहां पर एम में एक्सेलेरेशन सूडो फोर्स की आर ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड. तो लॉजिक बता रहा हूं कि सूडो फोर्स कुछ नहीं है इसमें, बाहर की फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल. तो जब कोई बॉडी घूम रही है उसके ऊपर सूडो फोर्स लगती है, जैसे एक क्वाइन है, एक क्वाइन डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, डिस्क घूम रही है, क्वाइन भी घूम रहा है. मैं चाहता हूं कि क्वाइन बाहर ना गिरे, तो कौन बचाएगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कहां करेगी टुवर्ड सेंटर. कौन बाहर गिरेगा, डिस्क घूम रही है तो उसके पास सेंट्रीपिटल है, बाहर की तरफ क्वाइन पे क्या लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर है तो क्वाइन नीचे नहीं गिरेगा. तो ये इसमें लॉजिक लगता है. तो इसके बेस पे क्या गिवन है, इसमें मास गिवन है वन रोटेशन इन 3.14 सेकेंड. तो इतने सेकेंड में एक रोटेशन है, एक रोटेशन है, तो एक सेकेंड में 1/3.14 रोटेशन. इसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी से क्या जाएगा ओमेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा का स्क्वायर, निकाल लेना आंसर, फॉर्मूला बेस्ड है. सही मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लग रहा है. आपको आइडिया दे रहा हूं, करनी तो आपने प्रैक्टिस है, आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं, फॉर्मूला बेस्ड ही चल रहे हैं इसमें. जैसे नेक्स्ट एक क्वाइन वाला क्वेश्चन डाल दिया उसने फिर से, अभी किया था हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो अगर एक कॉइन है, कॉइन ये पड़ा हुआ है, ये ओमेगा है डिस्क का, ठीक है. तो कॉइन, थैंक यू, कॉइन जो है वो क्यों नहीं गिरेगा फ्रिक्शन, क्यों गिरेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो मान लो आर डिस्टेंस पे कॉइन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे. तो अगर बराबर होगा तो क्वाइन बस ऑलमोस्ट गिरने वाला ही हो जाएगा, नहीं भी गिरेगा एक ही बात है, रेस्ट पे पड़ा रहेगा. तो कह रहा है पहले केस में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है म्यू टाइम्स एम जी इज एम आर ओमेगा का स्क्वायर, एम से एम कैंसल. तो केस नंबर वन में म्यू सेम है, जी सेम है, आर की वैल्यू कितनी कह रहा है 1 सेंटीमीटर है, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर वन. दूसरे केस में कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी हाफ कर दो, तो म्यू इंटू जी सेम है, आर निकालना है तो ओमेगा बाई क्या कर दो 2 कर दो, इन्हें डिवाइड कर लेना, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. मेथड समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस क्या लगेंगे इसमें, ठीक है. तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट व्हीकल का क्या गिवन है, मास गिवन है, लेवल रोड है रेडियस गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, क्या होगी इसमें एम आर ओमेगा, क्या होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा लो बस आ गया, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, एम आर ओमेगा स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट
नहीं स्प्रिंग किया, नहीं रुक जाओ, स्प्रिंग से करना अभी। अगर एक कार है 20 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूम रही है, तो जब पेंडुलम है तो वो टेढ़ा हो जाएगा, आपको एंगल बताना है। तो इक्वेशंस क्या लगेंगी, टेंशन टी आ जाएगी, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो दो इक्वेशन आ गई, एम वी स्क्वायर बाय रे की बात है, इक्वेशन सॉल्व करके टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आंसर की। वी तो आपको पता ही है, आर आपको पता है, जी आपको पता है आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें। क्या कार घूम रही है लेवल रोड पे, आर आपको दे रहा है, वो आर आपको दे रहा है, वी मैक्स आपसे पूछ रहा है और म्यू आपको दे रहा है। एक फॉर्मूला करवाया था अभी, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी आंसर। बोल तो रहा हूँ, एनसीईआरटी के पहले पहले न्यूमेरिकल पुट कर दिया एसएल के, कर लो रिवाइज बेसिक बेसिक। ठीक, क्या किया इसमें, हाँ कुछ किया ही नहीं। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब भी कोई स्टोन घूमेगा, देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब भी स्टोन कोई घूमेगा तो टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर, और क्या प्रोवाइड करेगी, लगा लो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, आधी प्रॉब्लम तो बहुत आसान है इसकी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ अटैच है, जो वर्क पार के अंदर आपको मिलने वाली है, वो पार्ट उसमें करेंगे। आपके कल के टेस्ट में ऐसी लेवल की डालूंगा, वैसी नहीं डालूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन वाली। फोर फ्रिक्शन अच्छे से करके आना, और बाकी तो काफ़ी बड़े यूनिट्स हैं चैप्टर ही इस बार तो नंबर अच्छा नहीं चाहिए, यूनिट्स भी है, एरर भी है, फोर्स भी है, फ्रिक्शन भी है, दो चार क्वेश्चन सर्कुलर के भी हैं, रिवाइज कराना।